श्रोता बंधु जाको ब्याह कबू न हेरो हो सबते जादे ब्याह करवावे की सलाह जले शर्मा इतो बड़ो योग है उनमें आपस में क्यों तो जले शर्मा इतने हम आता है उतते इतनी बड़ी सलाह जाको सपने में ब्याह न हेरो हो ताकि दरवाजे पर चार हार धप दें बद बांध दें भैंसियां बंधवा दें और देखो और का कहते मालूम तुम्हें तुम जी ने कहो के कोई लड़का बता दो तो एक जने ने कही कि उनको बोरे को ना बता दो हाँ उनके बाग ब्याह बाग को या ना तो एक का के और दूसरो तुम मालूम है ब्याह ऐसे कर लेंगे तो बनी अरे कि नहीं थोड़े बहुत ने कहा था हम दबाव बनाएंगे उन पर ने कहा था समझ आ देंगे बोरे का ज्यादा मांगा तो तुमने कहा कम ले लेंगे लड़की बाई के दिमाग में जो बैठा दही का भोरे बहुत बड़े आदमी है उनके यहाँ ब्याह है या तो बहुत बढ़िया तो फिर वे चार सिफारिश की और करते हैं और एक सबसे बड़ी विडंबना जा बात की है कि तुम्हारी हमारी लड़की उनके घर में बैठी है भीतर सही बात है बेऊना बता दी और तुम जो ना पूछो पहली लड़की थे कहीं लली जी लड़का बताओ का है जहाँ पे खेतवार कैसे कैसे हैं तो वो का कई बार लगी मालूम है कि भैया सुनना रे बे हमारे घर के बता रहे कहाँ सोई है बात मजबूत कर दी बिल्कुल इतना बड़ा सूत्र है उन्होंने तो आज भोलेनाथ ब्याह को तैयार तो भाई लेकिन राजा हेमंत चलते देवता कह रहे हैं कि लगुन लिखवाओ जल्दी जल्दी क्यों कि भाई मन में आएगी बाबा के बताई फिर सो जावे हो सो लगुन पत्र का बनवाई ब्याह बनो देवठान को तो जिस समय देवठान की शादी बनी और लगन पत्र का लिखवाई नाई पंडित दोनों बुलाए दोनों तो पहले ऐसा विश्वास कर लेते दरोगा जी के नाई पंडित ही करे होते सब काम है तो नाई पंडित को लगन लिखवा के दई के लो भैया जी हमारे ब्याह की लगन चढ़ाया हो दोनों ने भारी खुशी भई कर राजा ही लड़की को ब्याह मिले हो बहुत पल लगाते हैं देखिए अब तो कहू साइकिल मिल जाते कहूं अंगूठी मिल जाते और कचरा तो पांच कपड़ा पांच वासन तो कहूं गए ही ना सुबह चले ध्यान करना पर एक चीज माननी पड़ेगी तुम्हें कि थोड़े से निक ब्याह में दहेज के लालची जरूर हैं जलेसर वाले लेकिन तुम्हारे और हमारे मान सम्मान की कीमत भी करते हैं कीमत भी करते हैं उन्हें शादी कछु लोग तय कर ले करें गंगा पार और बुलंदशहर गाजियाबाद लेकिन वो कीमत लड़की वाले को वहां नहीं मिलेगी जो यहां मिलेगी बस जी कीमत उतनी दे ना जितनी दे त्याई लगन पक्की चढ़ाई ताक हम तो यहां के नटेरेंगे हाँ के भेट के 11,000 तेईस 8,000 के दे रहे हो हाँ तो उस समय जब लगन पत्र का लेके नाई और पंडित चले तो खुशी को ठिकानो नहीं रहोगे जाने कहा मिले हो पंडित जी ने कही नाई तो कह रहे बोरी भोरी ले आओ एक आधा के काय को के वो पलंग मिले होता लांगे काय में नाई के बालक ने कही कि पंडित जी महाराज मैं जिस सुनी है कि वो लड़का ढूंढो का है वो तो बहुत पुराने जमाने को कोई बाबा है मां काय कछु ना है ए पागल राजा ही लड़की को ब्याह ऐसी है जावे चलो चल रहे देखी जावे मिले हो तो ले आएंगे जो वे लग्न पत्र का लेके गए और वह पर्वत के चारों तरफ घूमत रहे पंडित जी ने की नाई थी आई है ना कौन से काम में आए हो नाई ने की तुम्हें ना मालूम कि ना कि देखो जी झाड़ी रख रही का है यही तो काम हुए अब ऊंचे से टीला पे महात्मा बैठो का है बेई बरना है उत्ता के पीछे वो डेढ़ सिंह को बेल ठाड़ो है भाई रथ मान लो चाहे कार मान लो अरे भैया कचना है राजा ही छोरी को भाग्य फोद दो है कैसी सोने सी कन्या आई और देख लो का तो लगत ना है जी छोरी जाते ही जाते विधवा ना हो ही जा महाराज सुनो जहां मैं हमारा तुम्हार को हम कुछ ना जी ब्याह करवाओ नारद ने नारद बिचौली आए हमें और तुम जा काम को आयो ताकत चलो
जो बे लगुल पत्र का हाथ में धर के और आगे बढ़े, भोलेनाथ बैठे आसन पे टीला पे जो चार कदम दूर रह गए। सो शिवजी के गर्दन वाय सांप ने लपेटा मार के जाकर फसका दई, सो चार कदम उनटे जाए बड़े बीच। अब पंडित जी ने कही नाई तो कहते के काय के तूने के जामे हल्दी ले ले अंगूठा पे, तू तिलक कर या मैं मंत्र बोल रहा हूं। सही कही नाई क्या, अरे नाई बोला ब्राह्मण थी एक बात विप्र बोलू तो बोला ब्राह्मण से एक बात विप्र बोलू तो कुमार बहुत दिना से संग रहो इस लोक याद सब हे बाबू। क्या कह रहे हो इतना देखियो, मंत्र पढ़ो तुम और तिलक लगाऊंगा मैं मरे हो को। अरे मंत्र काम तुम्हारा है यो तिलक को मेरा बताओ तू है ज्यादा मन होशियार बनी मरी बेटी के लब काम तू है महाराज। सुनो बिल्कुल नहीं, एक काम पे तो राजी हूं। कौन से मैं, अरे दोनों भेजे राजा ने तो दोनों तिलक लगाएंगे और जीवत बच गए पर्वत पे तो लौट नगर तू जाएंगे। तमें मन तो उनके डोले और ताई खाना पलक संगुनी खोले आई तो सरके अपकू पीछे पंडित जी सरके अपकू। आप कई विचार करो भोलेनाथ ने कि जे बिचो दोनों जा सांप के मां भयभीत हैं। सो भोलेनाथ ने गर्दन में ते नाग उतार के और भुजा में लपेट दिया और भुजा कर दी अलग, ले तिलक लगा दो अपना काटे हो। पंडित जी ने बहुत जल्दी तिलक लगाओ, उल्टे सूदे चावल मार के ठीक है महाराज जाए भैया भाई ना जाओ मत कछु दक्षिणा तो ले जाओ। पंडित जी ने नाई थी तू तो जी कह तो रे कछु है ही ना है। और देख मिले भी को नंबर अब आ रहा है, अबे चारों लंगू लखाई करें कछु है ही नहीं भैया मिले हो कहा मेरी जी समझ में नहीं आ रही। ए जी बताओ दोनों राजा ने कोई सूचना भेजी। हाँ महाराज भेजी है, राजा ने जी पूछवाई है कि बरात कितनी आ गई, कितनी बड़ी बरात आ गई। जलेसर माओ बरात पूछी जाओ को ती के दही बूरे के घोलुआ 20 खाए बेबाया में के 30 खाए बेबाया में हैं। हाँ जावादी पूछवाई जाती पहले हैं। हाँ जेऊ जलेसर कोई तो है ताई दीजिए कह रहे हो क्या जलेसर की क्यों कह रहे हो, कह तो नहीं रहेंगे जलेसर ते दिन और रात फन्ना पड़ रहा हो हमें। तो श्रोता बंधु आज भोलेनाथ ने दोनों नाई और ब्राह्मण खड़े थे, सो नागेश्वर कुंड जल रहा था, बा कुंड में तो एक एक मुट्ठी भस्म भरी। ध्यान रखना संत की महिमा को भगवान स्वयं भी नहीं जान पाए हैं कि संत में कितना बल होता है। और कहा क्या है संतों के लिए, इस दुनिया में सबसे बड़ा दुख कौन सा है और सबसे बड़ा सुख कौन सा है। ये गोस्वामी जी तुलसीदास लिख रहे हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा दुख कौन सा है और सबसे बड़ा सुख कौन सा है। लिखा उन्होंने अपनी कलम से कि नहीं दरिद्र समान दुख जग माही, संत मिलना सम सुख जग नाही। गरीबी के समान तो कोई दुख नहीं है, गरीबी के समान कोई दुख नहीं है और संत मिलन के समान कोई दुनिया में सुख नहीं है। तो नागेश्वर कुंड में से एक एक मुट्ठी भस्म भरी और दोनों नमाओं को दी। ले भैया भाई दक्षिणा ले जाओ।
नाई नू देख ली रेख भरी है, और पंडित जी देख ली रेख ही भरी है, और ताई गणवा सांप ने नार हला के जो लंबी जीव करी सोई तो ऊंचा कर दे लाओ महाराज। ठीक है तो अब जाए? हाँ जा। राजा तो कह दियो ने भोजन की व्यवस्था बढ़िया बना, में बरात बड़ी आवे कि महाराज कितनी आवे, कत्ते 30 करोड़ देवता आएंगे सब। पंडित जी ने कही ये घुट पानी ना मिलो, और बरात कितनी छोटी बताई है। तो जाकर वे दक्षिणाएं लेके चले, और जो पर्वत पर सरके, पंडित जी ने की ठाड़ो के बोलो जी बताते घर ते घर भाई रोटी ना करते करते, तो फिर चूल्हे में आग यू करते हुई के आहा, तो फिर पागल रेख तो जी घर ही भर रही है फैला दे। सब गांव में घुसेंगे तो घुसते ही सब दुनिया पूछे ही गए भैया ब्याह में कहा मिलो कहा मिलो, तो ये रेख दिखानी पड़ेगी जी मिलो फैला दे। नहीं महाराज सुनो अब यहां तक अलग अलग, यहां तक हम तुम संग गए अब अलग अलग क्यों तो सुनो। अरे नाई बोला ब्राह्मण देवर धर की रेख सब झूठी है, अरे नाई बोला ब्राह्मण देवर धर की रेख सब झूठी है, जी बाबा जी को सुंदर जन कितनी जरी गई फूटी है। अरे नाई का विश्वास नहीं प्रकी टोली है, यो अपने घर को जाए रहे यो सबई गांठ तुझ खोली है। पागल दुनिया में सबरे में हंसी और परई का जी रेख दैया दक्षिणा में फैला दा मारा तुम फैला दो, पर मेरे दिमाग में जी संत की तपस्या का बल है, ये संत का प्रसाद है महाराज मैं नहीं फैलाऊं। चले गए दोनों पे घर, और जाकर पंडित दरवाजे पे खांसे, पंडिताजी बोली आए गए तुम आए गए गठरिया को ला रहे हो काहे की, एक जो मिलो ना राजा की लड़की के लगन पक्की लग गए सो पागल खैरियत मना जिंदे आ गए यहां पर क्यों एक बरना काहे गु है कब बहुत पुराने जमाने को कोई बाबा जी है तुझे मान लेते कि शीश में सांप कान में सांप नार में सांप हाथ में सांप भोजन में सांप पेड़ में बीछू कहां तक ततैया हाँ मालूम है। और ये व्यासपीठ के माध्यम से 100 रुपए का पुरस्कार बजरंगी बाबू की तरफ से है ग्राम चंद्रभान से, हाँ ध्यान रखना सो तब। अब देख लो पस्ता देखे होता है ओछा बिछा हुआ बोलो झूठ तो नहीं मैं बिल्कुल अच्छा देखो बात इसलिए बता रहे हैं कि बेई फन्ना जा जले सत्य तुम्हें और सोई हमें, एक और जांच करके देखियो दरोगा जी ये जलेसर भाई तुम्हारे यहां आम है और तुम इन्हें सवेरे को जब विदा करो और फिर इन्हें 100 का नोट दो विदा में तो देखो हाथ कर दोगे लाख को मौत का कहने ऋण दे है? अरे जब हाथ ही ना कर दो तुमने तो फिर मने का देखियो तुम आज माग जाई कहते हैं ना हाथ तो गेला कर देंगे तब गंगा ऋण दे खैर कुछ भी सही। एक बार ऐसो बहुत रोगा जी रेजुआ भागवत भाई सो जे रेजुआ लगुन पक्की भाई बात हमने कह दी कि जे सवेरे को बासन लिकार के जरूर धरते हैं, पहले लगुन पक्की भाई रुकत है रात को सो सवेरे को लिकार के जरूर धरेंगे कि बेटा भाई रुपया दें जाओ 11,000। अच्छा अब वो बात काऊ बालक ने मोबाइल में रिकॉर्ड करके नेट पर डाल दी सो वो गंगा पार मुरादाबाद बजी सो मुरादाबाद हमने सुनी भैया जिकांते आई है जे जलेसर भाई सुनेंगे तो लठ बजावे तैयार रह जाएंगे। अब वो कटत कहा एक बार नेट पर बच जा दो ऐसी एक हंसी की बात बात ना मैंने डाद दई नगला गोपाल से बुढ़ाच सर और थरोरे सुल्तानपुर के था सुबह में भी थरोरे भाई लड़े तैयार है। अरे कसा तुम हमारी बुराई करते हो भैया बुराई ना करता बुराई करते हम तो दिन और रात फन्ना तो नहीं गा मनते हम ते खैर अच्छे हैं। केवल अच्छाई और बुराई ये संयोग है, जहां अच्छाई बनेगी वहां कोई ना कोई बुराई भी बनेगी।
लेकिन कुल मिला के जी है कि जलेसर के आसपास बुराई केवल एक है, यानी बाकी सब अच्छा ही है। बुराई कौन सी है? ये लड़कन को ब्याह में रुपया मांगे वो कम कर दे, बस इतनी बुराई है और कोई बुराई नहीं।